पश्चिम बंगाल के हर गरीब साथी को ये भरोसा मिला है कि ये चौकीदार घुसपैठियों की पहचान करेगा, घुसपैठ पर लगाम लगाएगा, गरीब को ये भरोसा जगा है। पूजा पाठ करने वाले लाखों साथियों को जिन्हें अपने ही देश में पराया बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। बहनों और भाइयों, टीएमसी सरकार आज किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने की योजना, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की योजना को रोक करके बैठ गई है। उनकी राजनीति चलनी चाहिए, गरीबों का भला नहीं होना चाहिए। ऐसी विकृत मानसिकता हिंदुस्तान में कभी किसी ने देखी नहीं है। साथियों, कमल के निशान को आपका एक वोट स्पीड ब्रेकर दीदी पर दबाव बनाएगा, आपका एक वोट नामपंथियों, वामपंथियों, दाम दमन पंथियों की महामिलावट के होश ठिकाने लगाएगा, आपका एक वोट हल्दिया को फिर से अपना पुराना गौरव दिलाएगा। आप भी साक्षी है कि आजादी के इतिहास में पहली बार हल्दिया को गंगा जी के रास्ते वाराणसी से जोड़ा गया, और वाराणसी से जुड़ने का मतलब होता है मैं वहां का एमपी हूं। आप हल्दिया में बीजेपी का एमपी चुन लीजिए, मैं सीधा सीधा वाराणसी हल्दिया जुड़ने से आपके साथ जुड़ जाता हूं। इनलैंड वॉटरवे का ये रास्ता और सुगम रास्ता यहां के विकास को नई गति देने वाला है। हल्दिया और वाराणसी की विकास यात्रा अब आपस में जुड़ गई है। स्पीड ब्रेकर दीदी पश्चिम बंगाल के युवाओं की आकांक्षाओं को ज्यादा दिन तक कुचल नहीं पाएगी, इसलिए आज पूरा पश्चिम बंगाल कह रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल से आवाज उठी है, हर कोई कह रहा है चूपे चाप कमल छाप, चूपे चाप कमल छाप। और आगे हैं बुथ बुथ से टीएमसी साहब, बुथ बुथ से चूपे चाप बुद्ध से बिना किसी डर के आप कमल छाप पर बटन दबाइए। आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। कमल खिलाने के आपके संकल्प के लिए और इतनी बड़ी तादाद में यहां आकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, और मैं देख रहा था हेलीपैड चारों तरफ ऐसा जन सैलाब था। भाइयों बहनों, बंगाल एक नई क्रांति की ओर चल पड़ा है। आप इतनी तादाद में हिम्मत के साथ हमारे साथ खड़े हैं, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।